हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसी दही पूरी, और इस रेसिपी में पूरियाँ भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पल्लवीज किचन के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दही पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरियाँ बनाएंगे, जिसके लिए चाहिए 1 कप आटा। ग्राम्स में देखा जाए तो 150 ग्राम आटा, सूजी 3 बड़े चम्मच, ग्राम्स में 30 ग्राम, और पानी आटा गूंदने के लिए। अब सबसे पहले हम आटा और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। पूरी के आटे के लिए जितना सख्त आटा हम गूंदते हैं, उससे और थोड़ा सा सख्त आटा गूंदेंगे। तो ये आटा हमने गूंदकर तैयार कर लिया है, और इसे गूंदने में करीबन आधा ग्लास पानी हमें लगा है। और अब हम इसे करीबन आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, और अब हम थोड़ा सा तेल लेके इसे अच्छे से एक बार गूंद लेंगे। आटे को 5 मिनट तक हमने अच्छे से गूंदा है, और ये देखिए आटा बहुत अच्छा चिकना हो गया है। इस आटे को हम 2 से 3 हिस्सों में बांट लेंगे, और अब एक हिस्से को लेकर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इसे हम एकदम पतला बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इस तरीके से एकदम पतली पूरी बेलकर तैयार करनी है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि पूरी हर तरफ से एक जैसी पतली होनी चाहिए। और अब हम इस तरीके से एक छोटा ढक्कन लेके इसकी छोटी छोटी पूरियां कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से एकदम छोटी छोटी पूरियां कट करके तैयार कर ली है। ये सारी कट की हुई पूरियां हम इस गीले कपड़े पर रखेंगे। दूसरे गीले कपड़े से इनको ढक देंगे ताकि ये सूख ना जाए जब तक हम इन्हें फ्राई नहीं करते। यहाँ तेल हमने गरम करने रख दिया था, और तेल गरम होने पे हम इसमें एक एक कर पूरी फ्राई करेंगे। पूरी डालने के बाद इसे एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और ये देखिए पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है। इसे दूसरी ओर से भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीके से सारी पूरियां फ्राई करके तैयार कर लेंगे। पूरियां बनकर तैयार है, और अब दही पूरी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी मसाला आलू फिलिंग। यहाँ हमने 3 से 4 बॉइल्ड आलूओं को मैश कर लिया है, और उसमें पुदीने का पेस्ट ऐड किया है, और साथ ही में थोड़ा सा बॉइल्ड चना। इसकी डिटेल रेसिपी ऊपर दी हुई वीडियो लिंक में आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी फ्रेश धनिया। दही पूरी है तो दही तो लगेगा ही, तो यहाँ हमने 1 कटोरी दही लिया है। इसके बाद आधा कटोरी सेव और बूंदी को मिक्स करके लिया है। आधा कटोरी लिए हैं अनार के दाने,
दो तरह की चटनियाँ ली है, एक है अमचूर की चटनी और दूसरी है ग्रीन चटनी। दोनों चटनियों की रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद मसालों में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही में ये पूरियाँ। अब सबसे पहले हम पूरियों में डालेंगे हमारी मसाला फिलिंग। इस मसाला फिलिंग से दही पूरियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। अब इसके ऊपर डालेंगे दही। थोड़ी सी ऊपर से ऐड करेंगे अमचूर की चटनी और अब डालेंगे स्वादानुसार नमक। फिर से ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा दही। और थोड़े से सेव। इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी फ्रेश धनिया। तो दोस्तों दिख रही है ना, एकदम कलरफुल और टेम्पटिंग। अब इसके बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अंत में थोड़े से अनारदाने। तो दोस्तों हमारी ये कलरफुल यमी टेस्टी दही पूरी बनकर एकदम तैयार है। आप भी इसे बनाकर देखिए और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।